जय हिंद स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट लेसन ऑफ योर बुक रेनबो पार्ट टू। और हम मैंने इस पे बताया है कि महात्मा गांधी का जो किताब है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उसका एक एक्सट्रैक्ट है, यानी कि भाग है। पहला लेसन तुम्हारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका हिंदी होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है, और 1948 में इनको गोली मार दिया था नाथुराम गोडसे ने। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, और ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ नेशन और बापू, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आज़ादी में भारत की प्रमुख भूमिका अदा किया था। इन दिस लेसन ही इज कंपेयरिंग द इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो इंट्रोडक्शन जब भी हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि दिस चैप्टर इज रिलेटेड विथ आवर बुक रेनबो पार्ट टू। द लेसन नेम इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इट इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ हिज महात्मा गांधीज बुक विच नेम इज माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। राइटर नेम इज महात्मा गांधी, एंड महात्मा गांधी इज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एंड डैड ऑन 13 जनवरी 1948। महात्मा गांधी इज ऑल्सो नॉन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन, ये हम इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं। अगर हम इसके मेन पॉइंट की चर्चा करें तो ये सारा का सारा हमको पता है कि जो भी मत भ्रांतियाँ हैं इंडियन कल्चर में और वेस्टर्न कल्चर में, सब दोनों अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन आज के डेट में ये सिद्ध हो चुका है कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो हड़प्पा कालीन सभ्यता से लेकर के, चाहे वो लिटरेचर में हो या कुछ भी हो, आज विश्व में सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। और क्योंकि इसने अपने मोरल विंग्स को, सॉल्स को, और मतलब कि आत्मा, संस्कृति, इस सब को जो कि हम बीजारोपण किया था हमारे एंसेस्टर्स ने, यानी कि पूर्वज ने, उसको लेकर के चलता है, इसी कारण से आज श्रेष्ठ है। तो मेन पॉइंट अगर हम देंगे इसमें तो मेटरलिज्म का और ही ह्यूमन बींग्स का, मोरल बींग्स का हम कंपेयर किए हैं महात्मा गांधी। इन दिस लेसन महात्मा गांधी कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। इन वेस्ट वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल हैव बीन मेड। एकदम बिल्कुल सही बात है कि भाई वस्तुवाद जो वेस्टर्न कल्चर मानता है उसमें एक से एक चीज़ों का निर्माण हुआ है। और वहीं पे इंडियन सिमिलरली हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, धर्मों में, द स्पिरिट, मतलब कि आत्मा में, एंड सॉल स्पिरिट, जो कि आध्यात्मिक रूप से उन्नति कह सकते हैं हम लोग, इंडियन सिविलाइजेशन की ये देन है विश्व को। देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म डैट हैज केप्ट अलाइव अप टिल नाउ, यही कारण है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति आज तक जिंदा है। इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ सम मेनी सिविलाइजेशन लाइक बेबीलोनिया, सीरिया, इजिप्ट एंड सो ऑन। यही कारण है कि वो कितनी सभ्यताएं ख़त्म हो गई, सीरिया हुआ, बेबीलोनिया हुआ, इजिप्ट हुआ, लेकिन आज भी इंडियन सिविलाइजेशन ज्यों का त्यों बना हुआ है। आज से अगर 2-3 हज़ार साल पहले भी जैसा गांव थे, बिल्कुल गांव वो हमारे आज भी मिल जाएंगे। तो अगर हम कंक्लूजन इसका दें तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं आई लाइक दिस लेसन वेरी मच, मैं इस भाई पाठ को पसंद करता हूँ, क्योंकि इट टीचेज अस टू अरेंज आवर फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टेंसेज, यानी कि यह हमारे मतलब शारीरिक और सांस्कृतिक दोनों को पूरा अच्छी तरह से मैनेज करता है। तो इस लेसन में मैंने आपको बताया फर्स्ट लेसन के बारे में पूरी तरह से। तो आपको ये इसको शेयर करना चाहिए जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। मैं आगे भी सारे लेसन्स का समरी इस डालता जाऊंगा। जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल बटन डालिए, क्योंकि जब भी मैं नोटिफिकेशन डालूँ तो आपको ये सबसे पहले मिले। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखूँगा। जय हिंद।